हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है कुमारी रीमा की रसोई में। आज मैं मूँगफली की चटनी बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं गैस की तरफ बढ़ूँगी, गैस ऑन करूँगी। उसमें मैं रिफाइंड वाला डाल, आधी चम्मच के लगभग मैंने रिफाइंड वाला डाला है। इसे मैं गर्म कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें मूँगफली डाल करके मैं भूनूंगी इसको। देख सकते हैं इसको धीमी या लो फ्लेम पर ही आप भूनें, बहुत ही अच्छी इसकी चटनी होती है। छः से सात के लगभग मैंने इसमें लहसुन की कलियां मैं इसी में डाल दूंगी और मैं इसको भी हल्का सा भून लूँगी इसी के साथ। आप देख सकते हैं इसका कलर खुद ब खुद चेंज हो रहा है। हल्का सा और मैं इसको गुलाबी होने तक भूनूंगी। आप देख सकते हैं ये भून चुके हैं। मैं गैस बंद करके मैं इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने के बाद ग्राइंड करूँगी। इसमें मैं हरी मिर्च डालूँगी आधी चम्मच के लगभग, काला नमक हाफ चम्मच, सफ़ेद वाली नमक हाफ चम्मच तक स्वाद अनुसार डालूंगी। जो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी, जब ये ठंडा हो जाएगा तब तक आप चाहे तो इसमें धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। इधर मैं दूसरे डिश की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं 1 बाउल के लगभग बेसन, अदरक लहसुन का कद्दूकस किया हुआ है पेस्ट, कद्दूकस है, ओनियन, एक ओनियन को मैंने कट कर लिया है, 2 से 3 मिर्च मैंने कट किया है, मंगरेला जिसको कलौंजी भी बोलते हैं, अजवाइन, धनिया पत्ता देख सकते हैं, 1 नींबू रंग के। आप लोग सोच करके बताइए आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे आप लोग ज़रूर दीजिएगा। अब मैं ग्राइंड करने जा रही हूँ। अभी हल्का सा ठंडा हो चुके हैं, मैं अभी इसे ग्राइंड करूँगी। आप देख सकते हैं मैं मिक्सी में इसे ट्रांसफ़र करूँगी स्पून की हेल्प से। मैंने इसमें अदरक का नहीं इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। हल्की सी आप धनिया की पत्ती डाल भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। मैं भी थोड़े से धनिया की पत्ती डाल रही हूँ, अधिक नहीं डालूंगी, नहीं तो फ्लेवर मूँगफली का चेंज हो जाएगा। मैं इसमें 2 हरी मिर्च डालूंगी, लहसुन मैंने ऑलरेडी पहले से डाल चुकी हूँ इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं इसको कट कर ले, सीजर से कट कर ले या हाथों से। काला नमक है आधी चम्मच, देख सकते हैं मैंने इसमें छोटी स्पून से 1 चम्मच के लगभग मैं सफ़ेद नमक डाल दी हूँ। अब इसमें थोड़ा सा मैं आधे गिलास के लगभग पानी डाल करके मैं ग्राइंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं इसमें इतने पानी पर्याप्त है, आधे गिलास लगभग 3 से 4 स्पून, ये छोटे वाले स्पून से पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी। आप देख सकते हैं मैं अब इसे ग्राइंड करने जा रही हूँ। 1 चम्मच के लगभग मैंने तेल गरम कर लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले मैं जीरा डालूंगी, देख सकते हैं मैंने इसमें जीरा डाल दिया। जीरा जब तड़कने लगेंगे तो मैं इसमें रेड चिली डालूंगी।
चिली में उधर ये चटनी के लिए मैं बना रही हूँ तड़का, डाल देने पर इसकी फ्लेवर और भी अच्छी लगती है। एक चम्मच के लगभग मैंने इसमें सब डालेंगे जो आप देख सकते हैं। मैं गैस ऑन करूँगी, ये तड़क चुके हैं आप देख सकते हैं। ये मैंने मिला देख सकते हो, इसको मैंने अच्छे से मिला दिया। ये चटनी अब खाने के लिए रेडी है। आप इसे ब्रेड पकौड़े डोसा इडली स्पेशल डोसा के लिए चटनी ज़्यादा फेमस है, जैसे पूरी पराठे लिट्टी चो के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी चटनी है, इसको धनिया की पत्ती से आप गार्निश कर लें। उम्मीद है आप लोगों को ये चटनी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।